अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत टाकरा, जिसका था पूरी दुनिया के क्रिकेटर फैन को इस टाकरे का इंतजार। इस मैच का टाइम टेबल तब्दील हो गया और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी है। एक बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का इंजर्ड हो चुका है, वो कौन सा है इस बारे में मुकम्मल आपको डिटेल बताएंगे। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से नए व्यूअर से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। नाजरीन, पाक भारत टाकरे में 70% बारिश का इम्कान बताया जा रहा है और इस मैच का टाइम टेबल भी तब्दील हो सकता है। अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के दौरान 10-10 ओवर जो है वो कट किए जा सकते हैं। अगर बारिश इससे भी ज़्यादा होती है तो फिर 20-20 ओवर भी कट किए जा सकते हैं और इस लिहाज से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर बारिश नहीं होती तो मैच जो है वो 2:30 पर शुरू होगा और इसके साथ अगर बारिश हो जाती है तो 20-20 ओवर का भी मैच हो सकता है। तो फिर ये मैच शाम के वक्त दिखाया जाएगा और आप भी कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय ज़रूर दें, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के प्लेयर को इस खेल के अंदर मात दे पाएगी या नहीं। पाकिस्तान बॉलर्स हारिस रऊफ जो थे वो नेपाल के खिलाफ मैच के अंदर इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, वो पाक भारत टाकरे के अंदर मैच के अंदर हिस्सा लेंगे। खुश रहें, मुस्कराते रहें। अल्लाह हाफिज़।